अब आपके शहर खंडवा में बाइट वाइज द्वारा वेज एवं नॉन वेज की विशाल श्रृंखला, घर जैसा स्वाद, शुद्धता के साथ बना हुआ भोजन, परिवार के साथ उठाइए लुफ्त, जिसमें आप एक फोन पर पाएंगे चिकन हांडी, चिकन अंगारा, चिकन रोस्टेड, चिकन बिरयानी, चिकन सैंडविच, चिल्ली पनीर, पनीर टिक्का, वेज और नॉन वेज पुलाव, और इसके अलावा और भी कई प्रकार के मनपसंद फ्रेश केक की फ्री होम डिलीवरी सुविधा के साथ हमें इंतजार है आपके फोन का। तो संपर्क करें 9285395252 पर। हमारा पता सेफी कॉलोनी खंड। शहर की विकास योजनाओं की स्थल पर समीक्षा के लिए विधायक श्री देवेंद्र ने किया विभिन्न स्थलों का निरीक्षण। 10 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय किशोर कुमार शमशान घाट का नया पहुंच मार्ग बनाया जाएगा। खंडवा शहर की विकास योजना क्रियान्वयन की मौके पर समीक्षा के लिए आज खंडवा विधायक श्री देवेंद्र वर्मा ने स्वर्गीय किशोर कुमार शमशान घाट नौका नगर से सिंगार तलाई को जोड़ने के लिए बनाए जाने वाली सड़क के प्रस्तावित स्थल और इंदिरा चौक के कायाकल्प कार्य को आरंभ किए जाने के संबंध में निरीक्षण कर निगम अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। इंदौर से श्री हनुमान जी के मंदिर के समीप गुनीना के समीप की भूमि पर उद्यान विकसित कर पौधारोपण करने का निर्णय भी लिया गया। निगमायुक्त श्री हिमांशु भट्ट ने बताया कि स्वर्गीय किशोर कुमार मुक्तिधाम के पहुंच मार्ग को किशोर स्मारक से पृथक कर ट्रांसपोर्ट नगर के समीप से नई सड़क बनाकर जोड़ा जाएगा। नगर निगम ने इसके लिए 10 लाख रुपए का प्रकल्प तैयार किया है। इस कार्य के लिए राजस्व नजूल के अधिकारियों को बुलाकर भी विस्तृत चर्चा की गई। इंदौर रोड श्री हनुमान मंदिर के समीप गुनीना फर्नीचर के बगल में रिक्त भूखंड पर उद्यान विकसित कर वहां पौधारोपण करने और चौपाटी बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश सहायक यंत्री एच आर पांडे को दिए गए। नौका नगर से सिंगार तलाई के लिए बनाई जाने वाली सड़क के प्रस्तावित स्थल का भी श्री विधायक ने निरीक्षण किया। जसवाड़ी रोड स्थित इंदिरा चौक वैकल्प कर वहां पर सड़क बनाकर सार्वजनिक शौचालय निर्माण और चौराहे के सौंदर्यीकरण के संबंध निरीक्षण के दौरान जो हमने हमारे किशोर कुमार मुक्ति धाम जो किशोर स्मारक के रूप में भी है उसे हम जो हमारा शमशान घाट है वो ये अलग हो और साथ में जो हमारा किशोर कुमार स्मारक बना है वो एक तरफ हो और उसको और ज़्यादा डेवलप कर सके, इसके लिए हम पीछे से एक बाईपास रोड निकालने के लिए हमने हमारे नगर निगम के अधिकारियों से को निर्देशित करा है। और इसके साथ साथ हमारे शहर में लगभग 5 एकड़ ज़मीन शासन से हमने आवंटित कराई है, जहाँ पर नगर निगम स्वयं एक कॉलोनी काटेगी, जहाँ पर सस्ते प्लाट हमारे खंडवा के रहवासियों को मिल सके, इसका हम प्रयास करने जा रहे हैं। और इसी प्रकार हमारे इंदिरा चौक जो कि एक हमारे शहर का एक महत्वपूर्ण चौक है उसको सौंदर्यीकरण कर सकें, इसके लिए हम एक यहाँ पर बाईपास निकाल रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक चौराहे पर एक यूरिनल, इसके लिए लगभग 20 यूरिनल हमने स्वीकृत कराए हैं, जिसका निर्माण कार्य शुरू होगा। लगभग 1500 घरों में शौचालय जो छूट गए थे उनके घरों में शौचालय बनाने का काम भी हम करने जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण काम है। और इसके अतिरिक्त हमारे रामनगर मुक्ति धाम का भी अप्रोच रोड वो भी हम स्वीकृत करा के शुरू कराने की स्थिति।